नमस्कार, आज की कहानी है मालती जोशी जी की, अवसान एक स्वप्न का। बैंक से लौटकर देखा, दीदी शरबत के गिलास समेट रही हैं और गिलास भी उस महंगे वाले सेट के थे जो खास खास मेहमानों के लिए ही निकलता था। कोई आया था? हाँ, दादा भाई आए थे। क्या? और मैं बेहोश होने की मुद्रा में सोफे पर लुढ़क गई। फिर निहायत संजीदगी से पूछा, दीदी दादा की तबीयत तो ठीक है ना? तू कभी ठीक से बात करना सीखेगी? सॉरी दीदी, बेअदबी के लिए माफी चाहती हूँ, पर वो क्या है कि यह बात एकदम से हजम नहीं हो रही थी। मैं तो सोचती थी कि भाई साहब इस घर का पता तक भूल गए हैं। वक्त पड़ने पर सब कुछ याद आ जाता है। हाय राम, उन पर ऐसा बुरा वक्त आन पड़ा है? हाँ, बुरा वक्त ही समझो। हिंदुस्तानी भाषा में लड़की वैसे ही आफत की पुड़िया होती है, फिर जब वह शादी के लायक हो जाती है तो बाप का बुरा वक्त ही आया समझो। यू मीन हमारी छुटकी स्वीटी शादी के लायक हो गई है? आई कांट बिलीव। तुम किस दुनिया में रहती हो भारती? तुम्हें यह भी नहीं पता कि स्वीटी 3 साल से एमए करके घर में बैठी है और उसके लिए ताबड़तोड़ लड़के ढूंढे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। अब यह बताइए कि उन्हें एकाएक हमारी याद कैसे आ गई? देर से ही सही, शायद उन्हें यह ख्याल आया हो कि पहले घर की इन 2 लड़कियों को निपटा देना चाहिए, फिर अपनी बेटी के बारे में सोचना उचित होगा। माय डियर भारती, क्या तुम उन लोगों से इस तरह की सदाशयता की आशा कर सकती हो? जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो उन्होंने कब से इस लाइन से खारिज कर दिया है, क्योंकि भाभी जिस तिस से कहती फिरती हैं कि अब इतनी बड़ी लड़की के लिए कौन जूते चटकाता है, वह तो अपना दूल्हा खुद ही ढूंढ लेती हैं। हाँ, और आप में उतने गट्स है नहीं, और जब तक बड़ी बहन बैठी हुई है छोटी के लिए तो सोचा ही नहीं जा सकता। हाउ सैड। और मैं झूठ मूठ मुंह लटका कर बैठ गई। बेचारी दीदी खुद मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। ए लड़की, अब नाटक बंद, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो। मैंने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, दीदी मणि, गम गलत करने का कोई और उपाय आपके पास नहीं है? जब देखो बस चाय। दीदी ने इस बार मुझ पर एक चपत जड़ दी और हंसती हुई किचन में चली गई। हम दोनों के बीच एक अलिखित समझौता है, दीदी का कॉलेज सुबह का है इसलिए सुबह घर मैं देखती हूँ, शाम को मेन्यू दीदी तय करती है। वह बड़ी तन्मयता से सब्जी की डलिया टटोल रही थी, सामित्री को शाम के खाने के निर्देश दे रही थी, और मैं सोच रही थी क्या ये सचमुच उतनी ही निर्लिप्त हैं जितनी ऊपर से दिखाई देती हैं? क्या उनके मन पर जरा सी भी खरोंच नहीं आई है? जबकि स्वीटी की शादी की बात सुनकर मैं भीतर तक तिलमिला उठी थी। मैं दुखी होने का सिर्फ नाटक नहीं कर रही थी, मन में सचमुच कुछ चुभ रहा था। चाय पीकर मैं नहाने चली गई। नहाने से जी कुछ हल्का हुआ, मेरा पुराना खिलंदड़ापन लौट आया। एक हल्का ढीला सा चोगा पहनकर मैं दीवान पर पसर गई और मैंने कहा, तो आरती जी, आपने यह तो बताया ही नहीं कि परम पूजनीय भ्राता श्री हमारे गरीब खाने पर क्यों तशरीफ लाए थे, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? वैसे उनकी कृपा से शादी ब्याह के मामले में हम लोग एकदम सिफर हैं, तो उन्हें किसी अनुभवी बल्लेबाज से सलाह लेनी चाहिए। देवी जी, भ्राता श्री को ना तो हमारी मदद की जरूरत है और ना सलाह की। उनका वश चलता तो हमारे पास सीधा शादी का कार्ड ही पहुंचता। तो फिर उनकी बेबसी का कारण क्या है? इस बार जो आईएएस लड़का उन्होंने तलाश किया है, उसकी बहन मेरे कॉलेज में ही पढ़ाती है। कौन? कुंजलता प्रसाद, तुम नहीं जानती, इसी साल अपॉइंटमेंट हुआ है। पिता रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, कुंजलता के पति भी तिलहन संघ में कोई बड़ी तोप है, बड़ी हाई फाई फैमिली है, तो दादा भाई ने सोचा होगा कि एक जैक और लगा लिया जाए। वे लोग कल लखनऊ से आएंगे, परसों सुबह लड़की देखने का कार्यक्रम है, तो दादा की इच्छा है कि मैं भी उस समय वहाँ उपस्थित रहूं। दीदी, इस कुंजबाला का जरा पता तो देना। कुंजबाला नहीं, कुंजलता। और उसका पता लेकर क्या करोगी?
उसे आगाह कर दूंगी कि अगर अपने माँ बाप की खैर चाहती हो तो यह रिश्ता मत होने देना, उनका बुढ़ापा तो बिगड़ेगा ही, तुम्हारा पीहर भी छिन जाएगा। कैसी बातें करती हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, उस धरती में अच्छा बीज कभी पनप ही नहीं सकता। देख बिन्नो, दादा ने चाहा है कि मैं उनकी थोड़ी सी सिफारिश कर दूं। अगर हम यह नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रह सकते हैं। किसी की बहन बेटी की शादी में विघ्न डालने से पाप लगता है, जानती हो, फिर यह तो अपनी ही बेटी है। और मित्र को धोखे में रखना पाप नहीं है? कम से कम उसे इतना तो समझा दो कि अपनी अम्मा के गहने समेट कर अपने लॉकर में रख ले, नहीं तो उड़न छू हो जाएंगे। भारती, यू आर रियली इम्पॉसिबल। मुझे पता था दीदी मुझे उस कुंज विहारिणी का पता कभी नहीं बताएंगी। बता भी देती तो क्या मैं चली जाती? बस वह तो अपना गुब्बार निकालने का एक प्रयास भर था। सच, बड़ा मन होता है कभी कभी कि इन लोगों की असलियत लोगों पर जाहिर की जाए। बड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं पर भीतर से क्या है यह हमसे बेहतर कौन जान सकता है। आज अपने मतलब से बहन की चौखट पर आए हैं, नहीं तो कई बार राखी भाई दूज भी सूने ही निकल जाते हैं। साल में वही दो दिन थे जब हम उनके आलिशान बंगले पर जाते थे। एक बार हमने भाभी को कहते सुन लिया, लो आ गई देवियां चौथ वसूलने। उस दिन के बाद हमने वहां जाना छोड़ दिया। दीदी तो शायद भैया को इस बात का पता भी न लगने देती, पर मैंने फोन पर साफ साफ कह दिया, यह भी चता दिया कि मन हो तो हमारे गरीब खाने पर चले आया करें, हम यथाशक्ति यथाभक्ति टीका कर देंगे। अगर न आ सके तब भी कोई मलाल नहीं है। दुनिया में कईयों के भाई नहीं होते, पर वे भी जी ही लेते हैं, हम भी जी लेंगी। विडंबना तो यह है कि हमारे एक नहीं दो दो भाई हैं, बड़े के ये हाल हैं और छोटा तो सालों से दुबई में जमकर बैठा है, वहां से कमा कमा कर ससुराल वालों को भेज रहा है और वे उसके लिए महल तामीर कर रहे हैं। पर जिसने उसे इस लायक बनाया है उसकी सुध लेने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। दुख तो यही है कि दीदी ने ऐसे नालायक के लिए अपने सारे सुख ताक पर रख दिए, अपना जीवन होम कर दिया। एक जमाना था जब लोग हमारे परिवार की मिसाल दिया करते थे, लगता है उन्हीं की नजर लग गई और वे सुहाने दिन सपना होकर रह गए। पापा रेवेन्यू में क्लास 1 ऑफिसर थे, माँ सुगढ़ गृहिणी थी, दो भाई दो बहनें, दादा इंजीनियर बन गए थे, दीदी एमए कर रही थी, गगन को उसी साल बेंगलोर में दाखिला दिलवाया था, मैं शायद 8वीं या 9वीं में थी। दादा भाई के इंजीनियर होते ही रिश्तों की बाढ़ सी आ गई थी, रिश्ते भी ऐसे ऐसे कि मुंह में पानी आ जाए। एक सज्जन तो जबरदस्ती लड़की दिखा गए, लड़की क्या थी, सोने का टुकड़ा था। भैया को तो रीझना ही था, माँ पापा भी मना नहीं कर सके। नानी ने दबी जबान से कहा, पहले बड़ी को निपटा लेते, बाद में लड़कों का मन कैसा हो जाएगा कोई कह नहीं सकता। पापा बोले, उसकी भी हो जाएगी, पहले एमए तो कर लेने दो, और यहाँ लड़के की परवाह किसे है, अभी तो मैं बैठा हूँ। बेचारे पापा, उन्हें क्या पता था कि उनकी इसी गर्वोक्ति को विधाता चुनौती के रूप में ले लेगी। दीदी का रिजल्ट आने को था, भाभी प्रसव के लिए बीहर गई हुई थी, पूरा घर प्रतीक्षारत था, पर एक तीसरी ही खबर ने सबको पत्थर बना दिया। पापा जो हमेशा की तरह हंसते हुए टूर पर गए थे कभी वापस नहीं लौटे, लौटा उनका निश्चेतन शरीर। भाभी को ता जिंदगी यह मलाल रहा कि ससुर की असामयिक मृत्यु ने उनके पुत्र के जन्मोत्सव का उल्लास छीन लिया था। इस अपराध के लिए उन्होंने पापा को कभी क्षमा नहीं किया। कितने ही वर्षों तक वे उसका जन्मदिन पीहर जाकर मनाती रहीं। बाद के वर्षों में उन्होंने यह परहेज भी छोड़ दिया। कहती, मरे हुए को कोई कितने दिन रोएगा, आखिर बच्चों के भी कुछ अरमान होते हैं। दुख और आघात से माँ एकदम जड़वत हो गई थी, कच्ची गृहस्थी थी और भविष्य सामने मुंह बाए खड़ा था। उसकी पहली झलक महीने भर के भीतर ही मिल गई। श्राद्ध कर्म आदि से निवृत्त होने के बाद गगन बेंगलोर जाने की तैयारी कर रहा था। एक दिन खाना खाते हुए उसने पूछ लिया, दादा इस सोमवार का रिजर्वेशन करा लूं, पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। दादा ने एक बार हम सबकी ओर देखा
और फिर गला खखार कर बोले, अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही यह विषय छेड़ दिया। मैं तुमसे बात करने ही वाला था कि अब यह बेंगलोर वाला प्रोजेक्ट छोड़ दो, यहीं रहकर बीएससी वगैरह कर लो। पापा थे तब और बात थी, पर मैं तुम्हारा बेंगलोर का खर्च नहीं उठा सकता। हम सब लोग सकते में आ गए। दादा यह क्या कह रहे हैं, छोटे का कैरियर क्या यूं ही अधर में छोड़ देंगे? और जो 40,000 डोनेशन के दिए हैं उसका क्या होगा? आजकल तो लाखों में बात होती है, पर उन दिनों 40-50 हजार में काम हो जाता था। बड़ी देर बाद माँ ने हिम्मत की, बेटा समीर तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुम्हें भी तो हमने पढ़ाया था, क्या बिना पैसे खर्च किए ही तुम इंजीनियर बन गए थे? माँ खर्च तो सबकी पढ़ाई पर होता है, पर यह वाजिब हो तो अच्छा लगता है। मेरे एडमिशन के लिए आपको इतने रुपए नहीं लुटाने पड़े थे, मैं अपनी मेरिट के बल पर ही प्रवेश पा गया था। गगन की जिद पर पापा ने इतना बड़ा जुआ खेला, मैं तो तब भी इसके खिलाफ था, पर उस समय पापा खर्च कर रहे थे, मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं था। पर अब तो यह सब मुझे ही भुगतना है, और साफ बात है कि यह मेरे वश का नहीं है। बेचारे, भाभी बोल पड़ी थी, इतनी बड़ी गृहस्थी और कमाने वाले एक अकेले, बेचारे कहां तक करेंगे? माँ का चेहरा फक पड़ गया। बहू रानी ने खतरे की पहली घंटी बजा दी थी। गगन भैया का भी मुंह इतना सा निकल आया था। तब दीदी ने पहल की थी, भैया छोटू की फिक्र मत करो, आज से उसका जिम्मा मैंने लिया। पापा ने मेरी शादी के लिए कुछ रुपए रख छोड़े हैं, आज से वे मैंने गगन के नाम कर दिए। रुपयों के अभाव में मेरी शादी ना हो सकी तो कोई बात नहीं, पर उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और भाभी, आज या कल मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, तब मैं भरसक दादा का हाथ बटा सकूंगी, लेकिन मेहरबानी करके मेरी माँ की गृहस्थी को मत कोसिए। दीदी फर्स्ट क्लास एमए थी, मेरिट होल्डर थी, नौकरी मिलने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई, वेतन भी अच्छा था, जिसे वे लाकर दादा के हाथ पर रख देती थी, लेकिन फिर जरा जरा सी बातों के लिए उन्हीं के आगे हाथ पसारना पड़ता। वह खुद तो कुछ नहीं कहते थे, पर जो कुछ भाभी से कहलवाते थे उसे सुनकर कलेजा छलनी हो जाता था। इतने दिनों बाद पता चला कि जिसे हम सोने का टुकड़ा समझकर घर में लाए थे वह तो आग का गोला थी। तन मन को राख करने की क्षमता उसमें थी। माँ की पेंशन स्वीकृत होने में 4-6 महीने लग गए। वे दिन बड़े कसाले में कटे। माँ दीदी के वेतन का हश्र देख चुकी थी, इसलिए उन्होंने अक्लमंदी का काम यह किया कि पेंशन अपने ही पास रखती रही, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। अपने और बच्चों के छोटे मोटे खर्चे उसी में से चलाती रही। अपना पैसा हाथ में रहने से उनमें एक आत्मविश्वास आ गया था, और वह अंत समय तक दबंग बनी रही। यह जरूरी भी था, किसी सीधी सादी औरत को तो भाभी खा ही जाती। अब माँ के सामने बस एक ही चिंता थी, दीदी की शादी। जैसे जैसे दीदी की उम्र बढ़ती जा रही थी, माँ का धैर्य चुकता जा रहा था। उधर भाभी पर दिन ब दिन निखार आता जा रहा था, उसके लिए वह सो जतन भी कर रही थी। इधर दीदी दिन पर दिन बुढ़ा रही थी, पहनने ओढ़ने का उन्हें जरा भी शौक नहीं रहा था। सजने सवरने के प्रति भी वह उदासीन होती जा रही थी। कभी मैं जिद करती तो कहती, रहने दे रे, यह सब करके मुझे अब किसको रिझाना है। भरी जवानी में उनका यह जोगन सा बाना माँ को 100-100 दंश देता था। छोटे भैया जब भी छुट्टियों में आते माँ को आश्वस्त करते, माँ तुम चिंता मत करो, बस मेरी नौकरी लग जाने दो, साल भर के अंदर दोनों बहनों के हाथ पीले कर दूंगा। बड़े आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं तो बैठने दो, मैं तो हूं। छोटे की बात से माँ को बहुत दिलासा मिलता, पर पढ़ाई थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। हर बार 1-2 विषय रह जाते, तब लगता दादा ठीक ही कह रहे थे। लड़के की कुव्वत जाने बिना पापा ने जबरदस्ती उसको यह कोर्स दिलवा दिया। अब ना तो छोड़ते बनता है, ना खर्च पूरा पड़ता है। यथावकाश मैंने बीकॉम कर लिया। एमकॉम करते हुए मैंने बैंक की परीक्षाएं भी दे डाली, एक में सिलेक्शन भी हो गया। तब मैंने माँ से कहा, माँ अब आप दीदी की शादी की फिक्र कीजिए, आगे की नाव मैं खेलूंगी। माँ ने दादा से बात की तो दादा बोले, शादी कोई हंसी खेल है जो आपके कहते ही हो जाएगी? हाथ में कुछ होना भी तो चाहिए कि नहीं?
मोटी हुंडी के बिना तो लड़के वाले चौखट पर झांकने भी नहीं आते। माँ ने अपने सारे गहने निकाल कर दादा के हाथ पर रख दिए। इन्हें चाहे बेच दो या गिरवी रख दो, पर अब आरती की शादी हो जानी चाहिए। माँ के गहने जो एक बार भैया के लॉकर में गए तो दोबारा नजर नहीं आए। शहर से दूर भैया का आलिशान बंगला जरूर बनता रहा। माँ की बरसी के दिन ही उसका उद्घाटन किया गया। नाम दिया था मातृ छाया। जब सब लोग गदगद होकर दादा की मातृभक्ति की प्रशंसा कर रहे थे तो मैंने जानबूझकर रिश्तेदारों से कहा, चलो इन लोगों ने इतनी ईमानदारी तो बरती है कि माँ की पूंजी से बने मकान को माँ का नाम तो दिया। भाभी का चेहरा उस समय देखने के काबिल हो गया था। छोटे भैया माँ को बड़े दमखम के साथ आश्वासन देते रहते थे। माँ बिल्कुल आस लगाए बैठी थी कि एक दिन मेरा यह परम प्रतापी पुत्र आएगा और मुझे इन राक्षसों के चंगुल से मुक्त कराएगा, पर वे सारे दावे खोखले साबित हुए। 7 साल लगाकर उन्होंने बीई पास किया, फिर 1 साल नौकरी के लिए भटकते रहे। तभी उनके एक सहपाठी ने उन्हें लपक लिया और अपनी इकलौती बहन के साथ शादी का प्रस्ताव रख दिया। माँ इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। माँ ही क्यों, हम में से कोई भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। इस शादी का मतलब था दादा पर एक और बोझ डालना। इस शादी का मतलब था दीदी की शादी और 2-4 साल के लिए टल जाना। इधर हम लोग इस ऊहापोह में व्यस्त थे, उधर ये दोनों प्रेम की पींगे बढ़ाते रहे। लड़की वालों ने जानबूझकर उन्हें छूट दे रखी थी। यह एक तरह से अरेंज्ड लव मैरिज थी। शादी बिना किसी की रजामंदी के, बिना किसी लेन देन के संपन्न हो गई। उन लोगों को मुफ्त में इंजीनियर दुल्हा मिल गया। शादी करके लौटे तो भैया बहुत शर्मिंदा थे, बोले, चिंता मत करो माँ, अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर भर देंगे। पर जिसके दम पर उन्होंने यह आश्वासन दिया था वह तो पहले दिन से ही मुंह फुलाए रही। हम लोगों ने इस शादी का विरोध किया था, इस बात को उन्होंने सही रूप में नहीं लिया। वह जितने दिन रही अनमनी ही रही। उन्हीं दिनों गल्फ से एक मोहक प्रस्ताव आया, यह भी उनके ससुराल वालों की ही कोशिश थी। मना करने का प्रश्न ही नहीं था। और एक दिन शुभ मुहूर्त में दोनों दुबई रवाना हो गए। फिर क्या था, भाभी को खुलकर बोलने का मौका मिल गया। अरे यह तो मैं ही थी जो इतने बरस तक इतने बड़े परिवार को झेलती रही, और किसी का बूता थोड़े ही है। 6 महीने में ही भाग खड़े हुए। छोटे के जाने के बाद भाभी की वाणी में और धार आ गई थी। मन तो होता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाएं, पर माँ के कारण पैर बंधे हुए थे। वह घर की लड़ाई को सड़क पर लाना नहीं चाहती थी। वैसे भी वह शरीर और मन से इतनी टूट गई थी कि उन्होंने खाट ही पकड़ ली। हम दोनों बहनें शांत मन से उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करती रही। जब जीने योग्य कुछ ना बचा हो तो मृत्यु भी वरदान लगती है। माँ की 13वीं में छोटे भैया आखिरी बार आए थे। जाते समय बोले, एक माँ का ही आकर्षण था जो घर आने के लिए मजबूर करता था। अब तो मैं इस घर में पांव भी ना दूंगा, आप लोगों का जब मन हो मेरे पास आती रहना। वे केवल शब्द थे, उस निमंत्रण में ऊष्मा नहीं थी, आग्रह नहीं था। बाद के वर्षों में उसे दोहराया भी नहीं गया। हम लोगों को पता भी न था, पर माँ मरने से पहले एक बड़ा काम कर गई थी। मकान वह हम दोनों के नाम कर गई थी। यह भी व्यवस्था थी कि मकान केवल शादी के खर्च के लिए ही बिकेगा, अन्यथा नहीं। जिस बहन की शादी होगी केवल उसका ही हिस्सा बिकेगा। माँ की 13वीं के बाद छोटे भैया ने तुरंत ही जाने का प्रोग्राम बना लिया था, इसलिए वकील साहब भागे भागे आए और उन्होंने यह वसीयत सुना दी। वह तो माँ की दूरदर्शिता की दाद दे रहे थे, पर बाकी सबके मन खट्टे हो गए थे। छोटे भैया तो घर के प्रति अपनी नफरत जता चुके थे, इसलिए कुछ नहीं कह सके। छोटी भाभी ने मुंह बिचका कर कहा, वह जीते जी हमें क्या दे गई जो मैं मरने के बाद आशा लगाती। बड़ी भाभी तो अपना दिखावे का रोना भी भूल गई। अपनी इमेज का ख्याल ना होता तो वह वहीं माँ को कोसना शुरू कर देती। दादा का चेहरा लेकिन ऐसा हो गया था कि देखकर दया आ रही थी। भरे गले से बोले, इसका एक ही अर्थ निकलता है कि माँ को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। इतने दिनों तक इतना सब किया,
उसका अगर यही फल है तो यही सही। साल बीतते न बीतते वे अपने बंगले में रहने चले गए। महानगरों में 14-15 किलोमीटर की दूरी नहीं लगती, पर जो दूरी, जो फासला दिलों के बीच आ गया था, वह अखड़ने वाला था। इतने दिनों बाद दादा भाई को आज बहन की याद आई है, वह भी इसलिए कि शिवानी के लिए IAS दूल्हा तजवीज करना था। इस लड़की का नाम दीदी ने बड़े चाव से अपनी प्रिय लेखिका के नाम पर रखा था, पर वह नकचढ़ी बिल्कुल अपनी माँ की बेटी है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। अपनी काइनेटिक पर पूरे शहर का चक्कर लगाती रहती है, पर कभी इधर झांकने भी नहीं आती। ऐसी लड़की के लिए मैं कोई सिरदर्द नहीं लेती, पर दीदी तो हमारी सौजन्य की प्रतिमूर्ति है। नियत दिन नियत तिथि पर ईमानदारी से तैयार हो गई। मुझसे भी कहा कि चली चलो, पर मैं राजी नहीं हुई। तुम तो जानती हो दीदी कि मुझे जबान को लगाम देना नहीं आता, कुछ उल्टी सीधी बात मुंह से निकल गई तो सारा शो बिगड़ जाएगा। जरा अपनी जबान पर काबू रखना सीखो। खैर, यह तो अब अगले जन्म में संभव होगा, पर तुमको भी मैं इस तरह सिलबिल सी नहीं जाने दूंगी। वे लोग क्या कहेंगे? कोई वे मुझे थोड़े देखने आ रहे हैं। तो क्या हुआ, लोग पूरे परिवार को देखते परखते हैं। ऐसा ना होता तो भ्राताश्री तुम्हें कष्ट क्यों देते? मुझे बस 15 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारा कायाकल्प करती हूँ। और दीदी के लाख मना करने के बावजूद मैंने उनका जूड़ा खोल दिया। जूड़ा क्या था, बस लंबे बालों को हाथ पर लपेटकर गठान सी डाल दी थी। मैंने बहुत सुंदर कलात्मक सा जूड़ा बनाया, उस पर एक पीले गुलाब का फूल टाक दिया, अपनी एक पोचम पल्ली पहनने को दी। उनके वार्डरोब में तो चंदेरी के सिवा कुछ था ही नहीं। हैदराबादी मोतियों का एक पतला सा सेट उन्हें पहनाया, हल्का सा मेकअप भी कर दिया, पर्स और चप्पल तक अपनी निकाल कर दी। जब मैं संतुष्ट हो गई तो मैंने कहा, अब आईने में देखो, खुद को भी पहचान नहीं पाओगी। दीदी ने आईने में देखा और अपने प्रतिबिंब पर खुद ही लजा गई। सच दीदी, आज इतनी सुंदर लग रही हो कि बस कहीं दूल्हे मियां स्वीटी को छोड़कर तुम्हें ही ना घूरने लगे। बकवास मत कर, कहीं ऐसा हो गया ना तो भाभी मेरा मुंह नोच लेंगी। तब मुझे क्या पता था कि मेरे मुंह से होनी ही बोल रही है। तैयार होकर दीदी बाहर निकली तो मुझे होश आया। दीदी, अब यह आशा करना तो व्यर्थ है कि भ्राताश्री आपके लिए गाड़ी भेजेंगे, पर मैं आपको 15 किलोमीटर स्कूटर पर नहीं जाने दूंगी। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। 5 मिनट रुको, मैं अभी ऑटो लेकर आती हूँ। आश्चर्य, दीदी ने मेरा प्रतिवाद नहीं किया। इतना सज सवर कर स्कूटर पर जाते उन्हें खुद संकोच हो रहा होगा। वहां से लौटने के बाद लेकिन खूब बिगड़ी। मुझे कितना लेट करवा दिया आज, पता है? वे लोग मुझसे पहले पहुंच गए थे और सबके सामने मैंने ऐसे प्रवेश किया जैसे मैं ही गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ। यही तो मैं चाहती थी। क्या? कि सब लोग तुम्हें देखें, अप्रिशिएट करें। ओ, लोग तो जैसे देख रहे थे ठीक ही था, पर भाभी तो एकदम आंखें फाड़ कर देख रही थी। तुम्हारी सज्जा उनसे 21 थी ना, जलकर खाक हो गई होगी बेचारी। और पता है बाद में स्वीटी ने क्या कहा? बोली, बुआ आपको कंफ्यूजन हो गया लगता है, आज कोई मेरी सगाई थोड़े ही है, आज तो वे लोग सिर्फ मुझे देखने आए हैं। उससे कहना हमारी बददुआएं लगती रही तो तेरी सगाई कभी होगी भी नहीं। चुप कर, कुछ भी बके चली जाती है, वे लोग क्या हमारे दुश्मन हैं? उन्हें दोस्त भी तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, उनका एक ही प्लस पॉइंट है, वे भी उसी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। तीसरे ही दिन, शायद रविवार था, मैं सोफे पर पसरकर टीवी देख रही थी कि फाटक के पास गाड़ी रुकने की आवाज आई। खिड़की से झांक कर मैंने देखा, दादा भाई और भाभी पधार रहे हैं। लगता है स्वीटी की शादी तय हो गई है, तभी तो भाभी भी साथ आई हैं, नहीं तो वह इस घर का रास्ता ही भूल गई हैं। मैंने खूब घूर घूर कर देखा, पर उन लोगों के हाथ में मिठाई का कोई पैकेट नजर नहीं आया। भाभी पर इतना गुस्सा आया, कंजूस कहीं की, अरे जरा सा मुंह मीठा करवा देती तो क्या खजाने में कोई कमी आ जाती। मैंने भरसक प्रसन्न मुद्रा में दोनों का स्वागत किया। दोनों मातमी सूरत बनाकर घर में घुसे और मुंह लटकाकर सोफे पर बैठ गए। दीदी अभी अभी नहाकर निकली थी और पीछे आंगन में बाल सुखा रही थी।
मैंने कहा। आरती जी, आरती का थाल सजाकर बाहर लाइए, लक्ष्मी नारायण आए हैं। मतलब? दादा भाई आए हैं। अरे वाह! दीदी का चेहरा खुशी से चमक उठा। गीले बालों को तौलिए में लपेटकर वह बाहर जाने को उद्यत हुई, फिर रुक कर बोली, आज सावित्री की छुट्टी है, चाय बना दोगी प्लीज? मन तो नहीं है, पर तुम कहती हो तो बना दूंगी, मैंने मुंह बनाकर कहा। दीदी आश्वस्त होकर बाहर चली गई। 10 मिनट बाद जब मैं चाय लेकर बाहर गई तो देखा कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ है और तीनों अपनी अपनी कुर्सियों में सिर झुकाकर बैठे हुए हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, पर चुप रहना भी मेरी फितरत में नहीं है, इसलिए चाय लगाते हुए मैंने कह ही दिया, लगे हाथ आपको बधाई दे दूं। बधाई अपनी दीदी को दो। उन्हें तो खैर दूंगी ही, उन्हीं की सिफारिश से काम बना है, पर बधाई के असली हकदार तो आप हैं। वैसे हम सब एक दूसरे का अभिनंदन कर सकते हैं, इस पीढ़ी की यह पहली शादी होगी ना? नहीं, अभी तो पिछली पीढ़ी का ही हिसाब चल रहा है। अरे वाह, मैं तो सोच रही थी कि वह खाता बंद हो गया है, फाइल क्लोज्ड। भारती, थोड़ी देर चुप रहोगी? दीदी मुझसे इस स्वर में बोलेंगी, मैंने कभी सोचा भी ना था। अपमान से मेरे तो आंसू निकल आए। ये लोग सामने ना होते तो मैं रो देती। कमरे में एक असहज मौन छा गया था। बड़ी देर बाद दादा ने ही उसे तोड़ा, बोले, उन लोगों ने अपने एक तलाकशुदा भाई के लिए आरती का हाथ मांगा है। तलाकशुदा शब्द सुनकर मुझे तो जैसे आग लग गई। दीदी की परवाह न करते हुए मैंने कसैले स्वर में कहा, अरे वाह, यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है, फिर आप लोगों के चेहरे इतने उदास क्यों हैं? उन लोगों ने स्वीटी को रिजेक्ट कर दिया है, दादा डूबती सी आवाज में बोले। ओ, सो सैड, कोई वजह तो बताई होगी? वजह अपनी दीदी से पूछो। भाभी एकदम फट पड़ी। आपका मतलब है दीदी की वजह से यह शादी टूटी है? इम्पॉसिबल, दीदी के दुश्मन भी उन पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। यही तो मैं भी कह रही हूँ, दीदी रुआंसे स्वर में बोली। आई एम वेरी सॉरी अबाउट स्वीटी, पर मुझे पता तो चले कि मेरा कसूर क्या है। अब इतनी भोली भी मत बनो आरती, तुम्हें मिसेज प्रसाद के लंदन पलट चाचा के बारे में सब कुछ मालूम था, तभी तो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची थी। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी भाभी, दादा खुद आकर निमंत्रण दे गए थे। और तुमने उस निमंत्रण का पूरा लाभ उठाया, ऐसे बन संवर कर पहुंची थी जैसे वे लोग तुम्हें ही देखने आए हों। अरे इतना ही शौक था तो हमसे कहती, हम तुम्हारे लिए अलग से प्रोग्राम अरेंज कर देते, पर इस तरह स्वीटी के भविष्य से खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी? दीदी ने असहाय भाव से मेरी ओर देखा, समझ गई कि यह बमबारी झेलना उनके वश का नहीं है। फौरन भाभी की सुपर फास्ट को बीच में ही रोक लिया। एक मिनट भाभी, प्लीज मुझे इतना बता दीजिए कि दीदी ने स्वीटी के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि दीदी चाहे जितना बन संवर ले, उससे स्वीटी को क्या खतरा हो सकता है? बहुत से बहुत यह है कि शिवानी की चचिया सास बन जाती, पर यह तो कोई खौफ खाने वाली बात नहीं है। उनके जैसी निरीह सास तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगी। खैर, आपको एक बात बता दूं, उस दिन दीदी को मैंने ही तैयार किया था। यह तो हमेशा की तरह सिलबिल सी चली जा रही थी। मैंने ही कहा कि दादा की प्रेस्टीज का सवाल है, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम ऐसे लस्टम पस्टम चली जाओगी तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? अरे इम्प्रेशन तो उसने खूब जमाया था, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कोई विषय हो, हर विषय पर अपना ज्ञान बघारती रही, धुआंधार बोलती ही रही, स्वीटी को तो मुंह खोलने का मौका नहीं दिया। मुझे तो हंसी आ गई, स्वीटी बेचारी मुंह खोलती भी तो क्या बोलती? माइकल जैक्सन, अलीशा चिनॉय, सिडनी शेल्डन और बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के आगे तो उसकी दुनिया ही नहीं है। उस IAS लड़के ने जरूर उसकी औकात पर रख ली होगी, तभी तो। पर प्रकट रूप से मैंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, भाभी मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि दीदी के पास अपनी ग्रेस है, गरिमा है, प्रतिभा है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वह किसी साज श्रृंगार की मोहताज नहीं है। वैसे भी इस उम्र में रूप सज्जा कोई मायने नहीं रखती,
वह तो मेरी जिद थी जो उन्होंने पूरी की। दोष अगर देना है तो मुझे दीजिए। भाभी कुछ नहीं बोली, मुंह फुलाए बैठी रही। कमरे में फिर एक चुप्पी पसर गई। कुछ देर बाद मेरा तो दम घुटने लगा। सोचा कि इस बैठक का अब समापन ही कर देना चाहिए, इसलिए बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, स्वीटी के लिए सचमुच बड़ा दुख हो रहा है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हो सकता है उसके भाग्य में इससे भी अच्छा दूल्हा हो, पर इस समय आपकी जो मनस्थिति है उसे मैं समझ सकती हूँ। पर इसके बावजूद आप यह संदेश यहाँ तक देने आए, सचमुच यह आपका बड़प्पन है। भाभी एकदम भड़क गई। हम कोई संदेश वंदेश देने नहीं आए हैं, समझी? ऐसे महात्मा नहीं हैं हम तो सिर्फ यह बताने के लिए आए हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथ कितनी घटिया हरकत की है। और यह भी कह देते हैं कि कल के गए अगर शादी करें तो हमें कन्यादान का नौता मत देना, हम नहीं आएंगे। भाभी प्लीज जरा मेरी बात तो सुनिए। तुम चुप रहो दीदी, हर बात पर क्षमा याचना की मुद्रा में खड़े होने की जरूरत नहीं है। इस बार मैंने दीदी को डबट दिया और फिर भाभी से मुखातिब हुई। हाँ तो किस दान की बात कर रही थी आप? दीदी कोई आलू बैंगन है कि उन्होंने मांगा और आपने उठाकर दे दिया? वैसे भी आपको कन्यादान का हक कहाँ पहुँचता है? यह अधिकार तो उसका होता है जो कन्या का पालन पोषण करता है। कम से कम आप लोग तो इसका दावा नहीं कर सकते। सुना आपने, इतने दिनों तक जो किया है उसका यह फल मिल रहा है। इतने दिनों तक आपने क्या किया है, इसका लेखा जोखा अकेले में अपने आप से मांगिएगा। कम से कम अपने आप से तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगी। Enough of it। भाभी एकदम उठकर खड़ी हो गई। उनके साथ साथ दादा भी उठ गए। इतनी देर बाद एहसास हुआ कि दादा कब से चुप बैठे हुए हैं। इस गर्मा गर्म बहस में उन्होंने जरा भी हिस्सा नहीं लिया है। समझ गई कि दादा आज अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। अपनी भड़ास निकालने के लिए भाभी उन्हें यहाँ खींच कर ले आई है। भाभी तो दन दनाती हुई बाहर निकलकर गाड़ी के पास खड़ी हो गई थी। दादा जूतों के तस्मे बांधने के बहाने थोड़ी देर रुके रहे। जाते हुए अस्फुट स्वर में जैसे अपने आप से बोले, शिवानी बहुत नर्वस हो गई है। शी हैज टेकन इट वेरी बैडली। हम सभी इस रिश्ते से बहुत आस लगाए हुए थे। उन लोगों के जाते ही मुझ पर जैसे हंसी का दौरा पड़ गया। दीदी ने कोई 4-5 बार डांट लगाई होगी, तब जाकर मेरा दिमाग दुरुस्त हुआ। दीदी अब आया ऊंट पहाड़ तले। भगवान ने इन्हें इसीलिए बेटी दी है कि ये माँ बाप का दर्द समझ सके। अब इन्हें समझ आएगा कि माँ कितना तड़पी होंगी, कितना तरस तरस कर मरी है माँ। उनकी आत्मा का श्राप इन्हें जरूर लगेगा, देखना। चुप कर, अब एक भी शब्द बोली तो ठीक नहीं होगा। बत्ती सी है कि आफत, जो कहती है वही सच हो जाता है। वो इसलिए दीदी कि मैं जो कहती हूँ सच्चे मन से कहती हूँ। मेरी अंतरात्मा से वह आवाज निकलती है। अब उस दिन तुम्हें तैयार करते हुए मैंने सोचा था। बस कर, अब उसकी याद भी मत दिला, सोचकर ही शर्म आ रही है। आज तक किसी से इतनी कड़वी बातें नहीं सुनी, तुम्हारी कृपा से आज वह भी सुन ली। उन बातों पर मत जाओ दीदी, वे तो अपनी भड़ास निकाल रही थी, किसी का गुस्सा किसी पर उतार रही थी। तुम ही तो बता रही थी कि स्वीटी के लिए 3 साल से दूल्हा ढूंढा जा रहा है, फिर इतने दिन बाद क्यों नहीं बनी? तब तो तुम बीच में नहीं थी। पर अब यह बेकार का बवाल हो गया, हमेशा के लिए संबंध खराब हो गए। तो पहले कौन से अच्छे थे? फिर भी भारती, उस दिन थोड़ी अति ही हो गई। मुझे ही थोड़ा अकल से काम लेना था, बेकार तुम्हारी बातों में आ गई। नहीं दीदी, जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। ये लोग जो तुम्हें खारिज किए बैठे हैं, तुम्हें भ्राताश्री को दिखा देना चाहती थी कि तुम्हारी शादी की उम्र अभी बीती नहीं है। यू कैन स्टिल गेट प्रपोजल्स। व्हाट ए प्रपोजल्स, दीदी ने कहा और चाय के बर्तन समेटकर भीतर चली गई। व्हाट ए प्रपोजल्स, दीदी का यह रिमार्क उनकी नाराजगी व्यक्त कर रहा था। यूं तो पहली बार दादा के मुंह से तलाकशुदा शब्द सुनकर मुझे भी ताव आ गया था, पर अब बैठकर ठंडे दिमाग से सोचती हूँ तो लगता है इसमें गलत क्या है। इस उम्र में दीदी को कुंवारा पति तो मिलने से रहा, फिर परिस्थितियों से समझौता करने में हर्ज क्या है? इतनी समझदार है दीदी, फिर इतनी सीधी सी बात क्यों नहीं समझती? ऐसा नहीं है
के दीदी के लिए अच्छे प्रस्ताव आए ही नहीं, बहुत आए थे। दादा की उदासीनता के बावजूद आए थे। कई लोगों ने तो व्यक्तिगत रूप से पेशकश की थी, पर दीदी ने किसी को लिफ्ट नहीं दी। उनके सामने एक ही समस्या थी, मैं, जो अब भी बरकरार है। मेरा प्रण है कि मैं दीदी से पहले शादी नहीं करूंगी, और दीदी यह ठान कर बैठी है कि मुझे पहले विदा करेंगी। लगता है इस पहले आप वाले चक्कर में हम दोनों का बुढ़ापा आ जाएगा। इसकी कल्पना से ही मेरी रूह कांप उठती है। खाना खाते समय मैं बहुत अनमनी सी हो रही थी। दीदी की पैनी नजरों से यह बात भला कैसे छिपती, बोली, बेबी क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा तो रही हूँ। क्या खाक खा रही हो? बस घंटे भर से दाल में चम्मच घुमाए जा रही हो। तुम तो यह भी बता नहीं पाओगी कि आज सब्जी क्या बनी है, क्योंकि अभी तुमने थाली की ओर झांका भी नहीं। सॉरी दीदी, मैंने हार मान ली। दरअसल आज मेरा मूड बहुत ऑफ हो रहा है। क्यों? मुझे उन लोगों पर रश्क आ रहा है जो दूसरी शादी के लिए तैयार खड़े हैं, और घर वाले उनके लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। काश हमारे भी सिर पर कोई होता। यह तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारा कोई सरपरस्त नहीं है? अभी तो मैं बैठी हूँ, तुम हाँ तो करो, रिश्तों की लाइन लगा दूंगी। ऐसी शादी करूंगी कि लोग बरसों तक याद रखेंगे, पर तुम तो हाथ ही नहीं धरने देती। नहीं मैडम, आपको अकेले छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए सोचती हूँ पहले आपका कोई ठिकाना हो जाए। वैसे आज का प्रपोजल भी कोई बुरा नहीं है। इस प्रपोजल के बारे में तुम क्या जानती हो? यही कि डायवोर्सी है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? जानती हो, उसके दो बेटियां हैं जिन्हें वह हमेशा के लिए बीवी के पास छोड़ आया है। यह तो और भी अच्छा है, बच्चों का कोई झंझट नहीं है। वह अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आ गया है और अब यहाँ हाथ पाँव मार रहा है। तो क्या हुआ, उसकी नौकरी के बिना तुम कौन सी दाल रोटी के लिए मोहताज हो जाओगी? तुम खुद उसे जिंदगी भर बिठाकर खिला सकती हो। भारती, दीदी ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, मैं इतने दिनों तक क्या इसलिए अनब्याही बैठी रही कि कोई हारा हुआ टूटा हुआ आदमी मेरी चौखट पर आए और मैं उसे बाहों में भर लूं, फिर जिंदगी भर उसके जख्म सहलाती रहूं? दीदी का यह भारी भरकम वक्तव्य सुनकर थोड़ी देर को तो मैं सकते में आ गई, फिर धीरे से पूछा, अब तुम ही बता दो, तुमने क्यों इस तरह से संन्यास धारण कर लिया है? वो इसलिए कि मैंने माँ को वचन दिया था कि सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। माय गॉड, इसका मतलब तो यह हुआ कि कल को अगर गलती से मेरी शादी हो गई तो तुम ससुराल तक मेरे साथ जाओगी? ना बाबा, यह नहीं चलेगा। इससे तो अच्छा है तुम स्वीटी की चचिया सास बन जाओ, वहां जाकर लड़की की सिफारिश कर देना। दादा भाई जिंदगी भर के लिए तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मैंने तो यह बात मजाक में कही थी, पर दीदी एकाएक गंभीर हो गई, बोली, दादा आज शायद ऐसे ही किसी इरादे से यहाँ आए थे, पर भाभी की बदजुबानी ने सारी बात बिगाड़ दी। देखा नहीं जाते समय कैसे भावुक हो गए थे? उस प्रसंग की याद में दीदी भी भावुक हो उठी। अब वह दाल में चम्मच घुमा रही थी और मैं उन्हें अपलक देखे जा रही थी। मुझे लगा कि हम दोनों सदियों से इसी तरह मेज पर बैठकर खाना खा रही हैं। हमारे बाल सन की तरह सफेद हो गए हैं, मुंह में दांतों का सेट लगा हुआ है, हड्डियों का हर जोड़ चरमरा उठा है। किचन में जो खटर पटर कर रही है वह सावित्री नहीं, सावित्री की बहू है। सावित्री तो कब से इस दुनिया से कूच कर चुकी है। सोचते सोचते मन इतना खराब हो गया कि मैं थाली छोड़कर उठ गई। दीदी मुझे देखती ही रह गई। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। हाथों से फिसलती उम्र का खौफ मुझे सोने नहीं दे रहा था। मेरा खिलंदड़ापन, मेरी शरारतें, मेरी मस्खरी सब एक ऊपरी आवरण था। भीतर से मैं बेहद डरी हुई थी। बढ़ती उम्र का एहसास इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं हुआ था। दीदी मुझे अक्सर प्यार से बेबी कहती थी, और बैंक की नौकरी के बावजूद मैं अंतर मन से बेबी ही बनी हुई थी। पर स्वीटी की शादी की चर्चा ने मुझे बौखला दिया था। लग रहा था कि मैं एकदम सीनियर बेंच में आ गई हूँ,
और यह ख्याल बड़ा डरावना था। विवाह मेरे लिए सिर्फ शारीरिक आवश्यकता नहीं थी, वह एक मानसिक भूख भी थी, एक स्थिर और सुरक्षित जीवन की चाह मेरे भीतर करवट ले रही थी। माँ ने मुझे एक घर दिया था, पर वह अपना घर नहीं लगा। अपने घर की लालसा मन में बराबर बनी रही। मैंने अभी सपने देखना बंद नहीं किया था। मैं दीदी की तरह नितांत बैरागी बनकर नहीं जी सकती थी। मुझे लगा कि दीदी बहुत ज्यादती कर रही है, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। आज इस किस्म के ही सही प्रस्ताव तो आ रहे हैं, कल को तो वे भी नहीं आएंगे, तब क्या उन्हें इस बात का डर नहीं लगता? उन जैसी संवेदनशील नारी तो किसी के भी जख्मों पर मरहम लगा सकती है, फिर पति के दुख बांटने में क्या हर्ज है? आज मेरे लिए भी संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। बहुत देर हो गई तो वे भी बंद हो जाएंगे, तब मुझे भी गलत समझौते करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दीदी तो वीतराग हो गई है, उन्हें कुछ नहीं व्याप्ता, पर मैं तो कभी कभी भविष्य की चिंता से कांप कांप उठती हूँ। पता नहीं यह मेरा पागलपन था या उत्सुकता। दूसरे दिन दोपहर 12 बजे मैं कुंजलता प्रसाद के घर की घंटी बजा रही थी। नौकर ने दरवाजा खोला और बड़े अदब के साथ बताया कि साहब टूर पर गए हैं, मैडम जी कॉलेज गई हैं, घर में मम्मी पापा जी हैं, उनसे मिलना चाहेंगी। मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मैडम जी कॉलेज गई होंगी यह तो मालूम ही था, इसीलिए तो यह बेतुका समय चुना था। इस समय हमारी दीदी रानी भी कॉलेज में होंगी, उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं है कि मैंने आज छुट्टी ले ली है। घर पर होती तो सौ सौ प्रश्न पूछकर बेजार कर देती, यहाँ आने के बारे में तो बताना ही बेकार था, वह कभी भी इजाजत नहीं देती। मुझे बाइज्जत ड्राइंग रूम में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद पति पत्नी कमरे में प्रविष्ट हुए। जज साहब का व्यक्तित्व बड़ा भव्य और प्रभावशाली था। उनकी पत्नी घरेलू किस्म की महिला लगी, सीधे पल्ले की साड़ी, सिर ढका हुआ, खिचड़ी बाल करीने से बांधे हुए, ममता छलकाती आंखें। मुझे एकदम माँ की याद आ गई। उस पीढ़ी की सभी महिलाएं शायद ऐसी ही ममता मई होती थी। मैंने उठकर नमस्ते की, अपना असमंजस छिपाने के लिए यूं ही पूछ लिया, आप मिसेस प्रसाद के मम्मी पापा हैं? जी हाँ, पर आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। पहचानेंगे कैसे, आज पहली बार ही तो देख रहे हैं। मैं समीर कुमार टंडन की बहन हूँ, भारती टंडन। पिछले दिनों आप उनकी बेटी को देखने गए थे। ओ, तो आप आरती की छोटी बहन हैं? तभी चेहरा पहचाना सा लग रहा था। जी चेहरे पर मत जाइए, मैं दीदी की तरह शांत और सुशील नहीं हूँ, थोड़ी मोहफट हूँ। बोलिए। दरअसल मैं आपसे लड़ने आई हूँ। लड़िए। मैंने देखा उनकी आंखें शरारतन हंस रही थी, मतलब वह मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। उनके इस रवैये से मेरा सारा आवेश ठंडा हुआ जा रहा था। कितना कुछ सोचकर आई थी, पर अब कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आप कुछ कहना चाहती थी ना? जज साहब, मैंने हिम्मत बटोर कर कहा, आप तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आपसे तो ऐसी उम्मीद न थी। कैसी? मतलब आपने तो लड़कियों को बिल्कुल सब्जी मार्केट में ही तब्दील कर दिया कि गोभी नहीं चाहिए आलू दे दो, कद्दू नहीं चाहिए लौकी पकड़ा दो। यह तो कोई बात ना हुई, आपको जो लड़की दिखाई गई है उसे देखिए, पसंद आ गई तो ठीक है वरना छुट्टी कीजिए। यह क्या बात हुई कि हमें बेटी नहीं चाहिए बहन दे दो? तो इसलिए आप नाराज हैं? तो आप यह बताइए कि इस समय आप किसकी पैरवी कर रही हैं, बहन की या बेटी की? यह मजाक की बात नहीं है सर, पता है आपकी इस पेशकश ने भाई बहन के बीच कितनी बड़ी दरार पैदा कर दी है। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए, लड़के की पसंद नापसंद पर तो हमारा वश नहीं था, आपकी बहन हम लोगों को बहुत अच्छी लगी इसलिए मांग ली। यही ना, अरे आपके मांगने से ही हो जाएगा क्या, हमारी भी तो कोई पसंद नापसंद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, होनी ही चाहिए, इसीलिए तो हमने फोन करके अपने भाई को बुलवा लिया है। अपनी दीदी की ओर से आप मुआयना कर लीजिए। और उन्होंने भीतर की ओर मुंह करके भारी भरकम स्वर में आवाज दी, सनातन आया भाई साहब। दूर किसी कमरे से उत्तर आया, मैं एकदम सकपका गई।
इस प्रसंग के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं तो सिर्फ यह देखने आई थी कि इस प्रस्ताव में कितना दम है, क्या सचमुच ये लोग इतने सीरियस हैं? कमरे में जो प्रविष्ट हुआ उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जज साहब की तरह भारी भरकम नहीं था। वह लंबा, गोरा और छरहरा था। बाल घुंघराले थे और सुनहरे फ्रेम के भीतर से झांकती आंखें मनमोहक थी। कुल मिलाकर वह व्यक्ति अपनी उम्र को मुगालता सा देता था। अरे भाई, बिटिया के लिए कुछ चाय वाय तो मंगवाओ, जज साहब ने पत्नी को आदेश दिया और फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, माय यंगर ब्रदर सनातन यूके में था, अब रिटायरमेंट लेकर स्वदेश लौट आया है। वहां तो सुना है कि रिटायरमेंट एज 65 है, फिर आप? I am 48, उन्होंने तपाक से जवाब दिया। मैंने वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले लिया है। स्वदेश की याद खींच लाई या वहां से जी उब गया? ये दोनों बातें एक साथ भी हो सकती हैं। आपने वहां की नागरिकता ले ली थी? जी नहीं, मैं अब भी भारतीय नागरिक हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आपके बच्चे? वे ब्रिटिश नागरिक हैं और रहेंगे। और भी कुछ पूछना है? मैंने देखा चश्मे के भीतर से उनकी आंखें शरारतन हंस रही थी। इस पूछताछ के दौरान वे आंखें बराबर मुझ पर टिकी हुई थी और मुझे असहज बना रही थी। इजाजत हो तो मैं भी कुछ पूछ लूं, मसलन आपका नाम? ओ सॉरी, जज साहब एकदम बोल पड़े, मैं इनका परिचय देना तो भूल ही गया। ये मिस टंडन है, क्या करती हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। हम लोग सुबोध के लिए इनके भाई की बेटी को देखने गए थे। सुबोध को तो बिटिया पसंद नहीं आई, जज साहब की पत्नी चाय लगवा कर ले आई थी, पर हमें उनकी बुआ बहुत भा गई। बुआ से मतलब मेरी दीदी से है, कृपया किसी गलत फहमी में न रहे, मैंने सनातन को सचेत किया। भारती जी, हमें तो आप भी बहुत भा गई हैं, जज साहब बोले। काश मेरा एक और भाई होता। तलाकशुदा? तलाकशुदा क्या, तुम्हारे लिए तो तलाकशुदा पसंद हो तो मैं भी प्रस्तुत हूँ, सनातन ने कहा। नो यंग मैन, हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकते, बिजलियों से बहुत खेल चुके तुम। अब तुम्हें एक शांत, सौम्य, सुशील पत्नी की जरूरत है और हमने वैसी ही लड़की ढूंढ ली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह खुद भी मोह भंग का दुख झेल चुकी है, तो तुम्हारी पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकेगी। यह आप किस मोह भंग की बात कर रहे हैं, मैंने हैरानी से पूछा। आपके भाई साहब से ही मालूम हुआ था। क्या? यही कि कोई एक अफेयर था जो परवान नहीं चढ़ सका, तब से वे जोगन बन गई हैं। शादी का नाम तक लेने से उन्हें चिढ़ होती है। दुख और आवेश से मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया, होंठ थरथरा उठे। जज साहब ने जरूर इसे लक्ष्य किया होगा, बोले, क्या मैं कुछ गलत कह गया हूँ? I am really sorry but नहीं, आप गलत क्यों कहेंगी? गलत तो उन्होंने कहा है जो दीदी के अविवाहित रहने के लिए जिम्मेदार है। अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने यह कहानी गढ़ ली। यह घर की बात थी, घर में ही रह जाती तो अच्छा था, पर दीदी के बारे में ऐसा कुप्रचार हो और मैं चुप रह जाऊं, ये तो नहीं हो सकता। तो सुन लीजिए, दीदी शादी नहीं कर सकी क्योंकि छोटे भैया की पढ़ाई बाकी थी और बड़े भैया ने साफ इनकार कर दिया था। वह अनब्याही रह गई क्योंकि घर में बूढ़ी बीमार माँ थी और उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। वह अविवाहित रह गई क्योंकि मेरी परवरिश करनी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शादी के लिए आज तक किसी ने पहल नहीं की, और खुद अपना दूल्हा ढूंढने के संस्कार हमारे परिवार में नहीं थे, इसीलिए उनकी शादी नहीं हो सकी। बात कहते कहते मेरा गला भर आया था, मैं एकदम उठ खड़ी हुई। अच्छा, अब मुझे इजाजत देंगे? थैंक्स फॉर द टाइम यू गिव मी। अरे बिटिया, चाय तो पीती जाओ, जज साहब की पत्नी बोली। गृहिणियों को हमेशा मेहमानों को खिलाने पिलाने की ही पड़ी रहती है, और बातों से तो उन्हें कोई सरोकार ही नहीं होता, पर जज साहब मेरी बात समझ रहे थे। दोनों भाई मेरे साथ ही उठ खड़े हुए और मुझे छोड़ने बाहर तक आए। पोर्च में एक नीली मारुति खड़ी हुई थी। डॉक्टर सनातन ने उसका दरवाजा खोलते हुए कहा,
लेट मी हैव द प्लेजर। नो थैंक्स, मैं ऑटो कर लूंगी। चली जाओ बेटी, इसी बहाने यह भी तुम्हारा घर तुम्हारी दीदी को देख लेंगे। जज साहब बोले। अब कोई चारा ही ना था, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। अपनी सनी न लाने का बेहद पछतावा हो रहा था। दरअसल सनी पर बैठकर घर ढूंढना मुझे बेहद उबाऊ लग रहा था। ऑटो रिक्शा में यह सुविधा रहती है कि पूछताछ का काम ड्राइवर ही कर लेता है। काफी देर तक मैं गुमसुम बैठी रही। जब मुझे होश आया तो देखा गाड़ी शहर के पश्चिमी छोर पर चली जा रही है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैंने घबराकर पूछा। मुझे क्या मालूम कहाँ जा रहे हैं, जब तक आप अपने घर का अता पता नहीं बताएंगी मैं इसी तरह निरुद्देश्य घूमता रहूंगा। मैं झेप गई। मैंने उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा, आप घर चल तो रहे हैं पर एक बात मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि वहां भी दादा के घर की तरह शाही सरंजाम होगा। एक तो हम उतने बड़े लोग नहीं हैं, दूसरे पहले से कोई सूचना भी नहीं थी। पहली बात तो यह है कि मैं आपके दादा के यहाँ की दावत में शरीक नहीं था, इसलिए उस शाही सरंजाम के बारे में कुछ जानता नहीं। दूसरी बात यह है कि आप भी अपने मन से यह ख्याल निकाल दें कि मैं वहां आपकी दीदी को देखने जा रहा हूँ। तो फिर आप? मैंने तो यह पेशकश इसलिए की है कि इसी बहाने आपका साथ थोड़ी देर और मिल जाएगा। मतलब? अब आप इतनी भी बच्ची नहीं है कि मतलब ना समझ सकें। मैं कानों तक लाल हो आई। वह स्वर, वे शब्द, वह दृष्टि तन मन को पुलक से भर दे रहे थे। मैं जानती थी कि पश्चिम में पुरुषों के लिए यह भाषा आम है, डॉक्टर सनातन भी स्त्री दाक्षिण्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, पर मेरे लिए तो यह अनुभव नया था। अपनी बौखलाहट छिपाते हुए मैंने कांपते स्वर में कहा, जनाब शायद आप यह भूल रहे हैं कि आपके लिए मेरी दीदी का इंतखाब हुआ है। पर आप मुझे अपनी दीदी से ज्यादा अच्छी लगी है, इसका क्या करूं? यह आप कैसे कह सकते हैं? मेरी दीदी को देखे बिना आप यह कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? भारती जी, जब से स्वदेश आया हूँ रिश्तों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। अब तक दर्जनों लड़कियां देख चुका हूँ, पर आपको देखकर लगा कि मेरी तलाश पूर्ण हो गई है। मेरा दिल इतने जोर से धड़का कि लगा उछलकर बाहर आ जाएगा। यह व्यक्ति तो किसी भी युवती का स्वप्न पुरुष हो सकता है, और यह कह रहा है कि मैं उसकी तलाश का अंतिम बिंदु हूँ। आनंद गंगा में मैं जैसे नहा उठी, पर भीतर ही भीतर मन कचोटने लगा। यह तो दीदी के साथ सरासर बेईमानी होगी। क्या मैं इसीलिए इतनी ललक के साथ वहां गई थी? क्या मेरे अंतर मन में यह इच्छा पहले से छिपी बैठी थी? फिर मैं इतनी हर्ष विभोर क्यों हो रही हूँ? दीदी को देखे बिना ही खारिज कर देना तो एक तरह से अन्याय होगा ना? उन्हें देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ट्रैफिक पर नजरें गड़ाए हुए कहा, आई वॉन्ट अ वुमन इट। मेरे कान एकदम झनझना उठे। प्लीज एक मिनट गाड़ी रोकिए, मैंने कहा। उन्होंने आश्चर्य से भरकर मुझे देखा और फिर सड़क के एक किनारे लेकर गाड़ी रोक दी। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, अभी आपने जो कहा था उसे ठीक से सुन नहीं सकी थी। विल यू प्लीज रिपीट इट? मैंने कहा कि आई वॉन्ट अ वुमन विद क्लीन स्लेट। हिंदी में अनुवाद कर दूं? मैं ऐसी पत्नी चाहता हूं जिसका कोई इतिहास ना हो। मेरी पहली पत्नी रोज नया इतिहास रचती थी, इसीलिए मैं उसे छोड़ आया हूं। क्रोध से मेरा पूरा शरीर जैसे जल उठा। मुझे लगा कि अभी इसी वक्त इस आदमी का गला दबा दूं, ताकि वह ऐसी गंदी बात दोबारा न कह सके। आवेश के कारण बड़ी देर तक मेरे मुंह से कोई बात ही ना निकली। बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाने के बाद मैंने कहा, डॉक्टर सनातन, मेरे बड़े भाई ने मेरी दीदी के कुंवारेपन को इतनी बड़ी गाली दी कि उसे सुनकर मेरा पूरा वजूद ही हिल गया था, पर आपकी बात सुनकर तो मैं एकदम राख हो गई हूँ। आप खुद तलाकशुदा हैं, दो बच्चों के बाप हैं, पर अपनी भावी पत्नी का तथा कथित अफेयर भी आपसे हजम नहीं हो रहा? आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की तो कोई बात नहीं है भारती जी, मैं विशुद्ध भारतीय संस्कारों में पला हुआ व्यक्ति हूँ। विदेश में 15 वर्ष रहने के बाद भी
मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मुझमें वे संस्कार अब भी मौजूद हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप में भारतीय पुरुष के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। भारतीय पुरुष जो खुद तो एक के बाद एक शादी रचाता जाता है, पर पत्नी ऐसी चाहता है जो दूध की धुली और गंगा जल सी पवित्र हो। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया। थैंक्स एंड गुड बाय। मैंने उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की और गाड़ी से उतर पड़ी। एक ऑटो को हाथ देकर रुका और उसमें चढ़ गई। उसे पता ठिकाना बताया और आंख बंद करके सीट पर टिक गई। मेरा दिमाग बुरी तरह भन्ना रहा था। एक घंटे के भीतर मैंने पुरुष के दो घिनौने और कुत्सित रूप देख लिए थे और मुझे सारी पुरुष जाति से घृणा हो गई थी। इन दो में से एक तो मेरे पितृतुल्य बड़े भाई थे और दूसरा पुरुष मेरा बहुत कुछ हो सकता था। यह झटका न लगता तो मैं मोह वृष्टि से उसकी ओर खींची चली जा रही थी। ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मैं बाल बाल बच गई। घर पहुंचकर देखा, दीदी कॉलेज से अभी अभी लौटी थी। अभी उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले थे। मुझे टैक्सी से उतरते देखा तो एकदम बाहर आ गई। आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? तबीयत तो ठीक है ना? मैं यही सोच रही थी कि आज गाड़ी क्यों नहीं ले गई। लेकिन अगर जी ठीक नहीं था तो जाने की क्या जरूरत थी? किसी को दिखाया कि नहीं? ओफो दीदी, मैं एकदम फट पड़ी। मुझे घर में भी आने दोगी या थानेदार की तरह सवाल ही किए जाओगी? दीदी बेचारी सहम कर एक किनारे हो गई। मैं तीर की तरह भीतर घुसी और सोफे में धंस गई। मेरा दिमाग घूम रहा था, सिर दर्द से फटा जा रहा था। कमरे में बेहद घुटन हो रही थी। लगता था जैसे हवा का कण भी कहीं शेष नहीं है। तभी ठंडी हवा का एक झोंका तन मन को सहला गया। आंखें खोलकर देखा, किसी ने पंखा फुल स्पीड पर चला दिया था। इतनी सोच और समझ दीदी के सिवा और किसके पास हो सकती थी? 10 मिनट बाद सेंटर टेबल पर एक गिलास आ गया था। उसमें तैरते बर्फ के टुकड़े देखकर ही मन में ठंडक पड़ गई। गिलास उठाकर मैं एक सांस में ही पूरा गटक गई। मेरी खास पसंद का पेय था नींबू का ताजा शरबत। उसे पीते ही मैं तरोताजा हो गई। मन अब जरा सम पर आने लगा था। आते ही सोफे पर निढाल होकर पड़ गई थी, अब उठकर बैठ गई। किसी ने मेरे हाथ से गिलास लेकर मेज पर रख दिया था। और कौन होता? दीदी ही थी। मेरा मूड ठिकाने पर आया देखकर वह मेरे पास आकर बैठ गई थी और मेरे बालों में उंगलियां पिरोते हुए बोली, अब बता किससे लड़कर आई है? दीदी तो पूरी जासूस है, उनसे कुछ भी छिपाना असंभव है। फिर भी मैंने मुंह बनाकर कहा, क्या मतलब? मैं क्या जिस दिस से लड़ती ही रहती हूँ? तो बताओ कहाँ गई थी, क्या करने गई थी? तुम्हारा रिश्ता तय करने गई थी। आई सी, तो फिर बात जमी नहीं? यही ना, इसीलिए लड़कर आई हो ना? उनसे भला क्यों लड़ूंगी? लड़ाई तो मुझे भगवान से करनी है। हाय राम, उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है? अरे इतनी बड़ी दुनिया में एक भी पुरुष ऐसा नहीं बनाया जो तुम्हारी ऊंचाई को छू सके। सबके सब बौने हैं, ये भी कोई बात हुई? सो सैड, दीदी ने मेरी नकल उतारते हुए कहा। देख लिया ना बेबी, बेटी ब्याहना कितनी टेढ़ी खीर है। बरसों जूते चटकाने पड़ते हैं और तुम हो कि एक ही दिन में पस्त हो गई। और मेरे गाल में चुटकी भरकर वह हंसती, वही दूधिया चांदनी सी स्वच्छ उज्जवल हंसी जो देखने वालों को बरबस बांध लेती है। इस भुवन मोहिनी हंसी पर तो मैं सैकड़ों सनातन वार सकती हूँ।